अब ये फ्राई हो रही है, इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई करते रहेंगे। तो अब इसमें मामा डालने लगी है टमाटरों का पेस्ट। इसमें चार टमाटर यूज हुए हैं। अब इसको थोड़ी देर हमने भूनना है। जब भून रहे हैं इसको अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि इसका अच्छा सा बन जाए। और साथ साथ मैं भी मामा से कुकिंग सीख रही, तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर कर दी रेसिपी और मैं भी सीख रही। इसमें 1 टीस्पून नमक का डालना है। वन टेबल स्पून इसमें हम ये डाल देंगे लाल मिर्च। वन टीस्पून सूखा धनिया। और 1 टीस्पून हल्दी। अब इसको हमने तेज तेज भूनना है ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें जीरा डाल देना। इसको आप देर से भूनते रहना ताकि इसका अच्छा सा और वो बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाए। तो ये हमारी उबली हुई माश की दाल है, उसमें हम इस मसाले में हम डाल देंगे। बस अब आप लोगों ने इसको भूनते जाना है। ये देखिए जितनी दाल भुनी भी होगी उतनी ही मज़े की होगी और मज़े की होगी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें और फिर मज़े लेकर गरम गरम रोटी के साथ खाएं।